हम बोलते हैं लॉकडाउन लगा, मार्केट में डाउनफॉल आया, पूरा होटल बंद हो गया, रोड में रोड कॉर्नर बंद हो गए, लेकिन क्या लोगों ने नूडल्स खाना छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं था, नहीं था भाई, वो होटल बंद हुए ना तो हमने जो घरों में चलता वो नूडल निकाल दिया। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, जितना हमने काम लॉकडाउन के पहले नहीं किया उतना ज़्यादा काम ने लॉकडाउन के अंदर किया। हाँ, आप ये मानिए कि बहुत अच्छा जो है रेशियो रहा हमारा लॉकडाउन के बीच का काम करने, क्योंकि हमने समझ लिया कि कस्टमर को चाहिए क्या। भाई नूडल्स तो कस्टमर तब भी खा रहा था, घरों में बना खा रहा था, तो हमने वो माल दे दिया उनको। और दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और बड़ी चीज़ बताता हूँ मैं आपको नूडल्स के बिजनेस में, क्योंकि FMCG का बिजनेस है, ये डेली चलने वाला है। ये ऐसा नहीं कि आपने आज माल बेच दिया फिर आप उसको माल दोबारा बेचेंगे, नहीं, आपने आज माल बेचा आप कल भी बेचेंगे, परसों बेचेंगे, वो डेली का आपको अर्निंग का बिजनेस है। दोस्तों स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आ गया हूँ नीलम फूड से अजय सिंह सर से मिलने, जहाँ पर सर ने अपना जो ये पूरा बिजनेस है 3 साल में ऐसा खड़ा कर दिया है जहाँ पर सर मंथली 1 से 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या बारीकी है, आप भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, सारी जानकारी सर हमें देने वाले, जिससे कि आपको जो भी सर ने अब तक गलतियाँ की थी या फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, सारी सर छोटी छोटी जानकारी देने वाले। बहुत लोग कहते भी है कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से हम लोग सीखें, तो आपको बिजनेस शुरू करने में हेल्पफुल रहेगा और आप बिजनेस में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सर जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को आपकी जो सक्सेस स्टोरी है कि आपने जो बिजनेस है वो कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और ये मेरी फैक्ट्री है और हमारी नूडल्स की फैक्ट्री है और हमारी फैक्ट्री का जो नाम नीलम फूड्स के नाम से हमारी फैक्ट्री है। एक्चुअली मैंने ये फैक्ट्री लगभग 3 साल हो गए मुझे रन करते हुए, और इसके पहले मैं जो है कॉन्ट्रैक्टर था। कंस्ट्रक्शन का काम में क्या था कि वो साल के 3-4 महीने चलता था फिर बंद हो जाता था, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 12 महीने कर सकते हैं, जिसमें से 3 से 4 महीने तो ऐसे हैं कि आप डिमांड नहीं पूरी कर सकते, वो मार्केट है इस बिज़नेस में। तो लेकिन क्या है कि जब इस बिज़नेस में हम आए और इसको हमने शुरू किया तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें आने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है तो ये क्या है, फूड इंडस्ट्री का बिज़नेस है, तो फूड का बिज़नेस थोड़ा टेक्निकल होता है, तो हमें चीज़ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने इन सभी स्टेप को पार किया, हर चीज़ हमने समझा समझ के हम आगे बढ़े और आज लगभग 3 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, और आज जो हमारा बिजनेस एक तरह से हम फुल कैपेसिटी पे अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं। तो सर सबसे मेन बात कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर अपनी फैक्ट्री रन करते हैं, वो आसानी से अपने जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो बताते नहीं है, या फिर क्या क्या गलतियाँ की थी वो नहीं बताते हैं, कैसे माल बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें वो बताते नहीं, तो आपने इतनी ईजिली हमारे व्यूअर्स को कैसे बता रहे हो? तो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो शुरू करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और ये शायद सबको आती होंगी, जो भी नए जो है बिजनेस में आ रहे सबको प्रॉब्लम आती होंगी। तो मैं ढूंढता था लोगों को कि कोई मेरी मदद कर दे, और मैं जाता था लेकिन वहाँ मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, कोई एंट्री नहीं देता था दोस्तों, अपने फैक्ट्री में तो कोई एंट्री देता ही नहीं है। तो आप ये मानिए कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बिज़नेस में, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर अपना इंडिया तभी बढ़ पाएगा कि जब बिजनेसमैन आगे आएगा, जो मान लीजिए कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस मेरे पास काम का है, तो वो मैं किसी को दे पाऊँ, हो सकता है कि वो मुझसे तेज़ निकल जाए आगे। तो आप देखिए कि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि बाहर के मैन्युफैक्चरर आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ का जो यहाँ का सिटीजन है वो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो अगर हम उसकी हेल्प करेंगे, अगर वो आगे बढ़ गया तो एक तरह से हमारी टीम भी बढ़ेगी उस तरह से। तो इसलिए मैं आया हूँ कि कुल मिला के लोग समझें इस बिज़नेस कैसे किया जाता है, इसके एक एक लूज फोल्स को समझें, और जब समझने पूरे उसके बाद ही जो है आप मशीन खरीदें और स्टार्ट करें फिर। इसके पहले कुछ नहीं, कि आप ये मानिए कि मैं आपको ये प्रमोट कर रहा हूँ कि आप मशीन खरीदें, कुछ नहीं करना है। पहले आप बिजनेस को समझिए, समझने के बाद कैसे करना है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप इसको एनालाइज करिए, उसके बाद फिर मार्केट में आइए। तो सर ने जो आज 3 साल में चीज़ें सीखी वही सारी चीज़ें आज सर हमें बताने वाले हैं, आपको भी एक अपर हैंड आ जाएगा, जो भी लूप होल्स होते हैं इस बिज़नेस के, सब कुछ जो भी सच्चाई है इस बिज़नेस की वो सारी सर हमें इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए, जिससे कि आपसे जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। और सर हमें सब कुछ दिखाएंगे, रॉ मटेरियल क्या लगता है, मशीनरी कैसे लेनी चाहिए, रॉ मटेरियल की बारीकी बताएंगे, पैकिंग की बारीकी बताएंगे, उसके बाद पैकिंग कैसे करनी होती है, माल को सुखाना कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रॉफिट कितना होता है, सब कुछ डिटेल में सर इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों नूडल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल नूडल्स का है वो है मैदा। तो दोस्तों मैदा जो है हर तरह का मैदा यूज नहीं होता है इसमें स्पेशल मैदा यूज होता है, वो मैदा जो मील में 10 से 12% मॉइस्चर में पीसा गया हो, तो अच्छा। वो मैदा इसमें यूज होता है। ये कौन से कंपनी का होता है सर मैदा? ये जो हम लोग ले रहे हैं ये MLMP रोलर फ्लोर मिल का मैदा है, और ये ब्रांड है इसका पहली पसंद के नाम से आता है। हाँ, चाउमीन बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैदा मिक्स किया जाता है, बस आधी बोरी।
देखिए इसमें इस तरह से मैदा डाल दिया गया और इसमें पानी लगाया जाएगा। अब इसमें देखिए पानी का रेशियो हमेशा अलग अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, ठंडी में अलग होता है, बरसात में अलग होता है। इस समय मौसम डाल दो, इसमें मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा मौसम है, बरसात का मौसम है, तो अभी जो है इस तरह से पानी लगाया जाता है। तो देखिए आपको दिखाते हैं किस तरह से मैदा मिक्स होता है। मशीन चालू करो और हाँ ये देखिए मिक्सर में देख लीजिए कि हमें ये मोटर जो है ये अगर आप कहीं भी लेंगे तो वहाँ पे 2 हॉर्स पावर मोटर देते हैं कि 2 हॉर्स पावर मोटर इसमें काम नहीं करेगी, उजल जाएगी। इसमें जो है 4 हॉर्स पावर की मोटर है, 4 हॉर्स पावर वो भी केवल एक ही कंपनी जो बनाती है। बहुत लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे 4 हॉर्स पावर मोटर बनती है। ये 4 HP मोटर है और ये इसके RPM है 1450। अच्छा, और इसके RPM इधर आ रहे हैं। इसके बाद जो गियर बॉक्स लगा है ये है 1:5 का। तो हमें अंदर जो RPM है मिक्सर के अंदर ये हमको चाहिए 80 से बहुत खींची 80 से 100 RPM चाहिए बस। अगर 100 RPM से ऊपर मैदा चलेगा तो ये गांठ बना देगा, बड़े बड़े गांठ टाइप में हो जाएगा। और देखेंगे अभी आपको दिखाएंगे किस तरह का मैदा मिक्स होता है। अगर जैसे पानी कम होता है तो इसमें हम चेक करके इसमें पानी हम और ज़्यादा डाल देते हैं। ये देखिए मैदा मिक्स हो रहा है। मिक्सर में ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मार्केट से मिक्सर मिलता है वैसा नहीं होता है नूडल्स का। नूडल्स का मिक्सर आप जब इस तरह का बनाएंगे तभी आपका सक्सेसफुली होंगे। अच्छा, हाँ ये गियर बॉक्स आपको बहुत ही कम जगह पे लगा दिखा होगा नूडल्स की मशीनों में। जो लोग पुराने हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हीं को पता होता है इसके बारे में। अब इसमें देखिए बिल्कुल साउंड भी नहीं है मिक्सर में। राइट, हाँ लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको नूडल बनाना है तो हर तरह का मैदा नूडल में यूज नहीं होता है। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरी का जो है मैदा आप यूज कर सकते हैं। ये कौन से कैटेगरी का है? ये जो कैटेगरी है ये एक तरह से नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही स्पेशल बनाया जाता है मैदा, ये जिसमें कम मॉइस्चर पे पीसा जाता है जिसकी वजह से लस अच्छी होती है। लस मतलब क्या सर? लस मतलब पकड़। अच्छा, जो नूडल्स है जैसे मान लीजिए जब शेप में आती है नूडल तो अगर लस अच्छी नहीं होगी तो वो जो है शेप में अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी, वो टूटेगा जो नूडल्स है। okay. तो अगर उसमें शेप उसे पकड़ अच्छी रहती है, पकड़ अच्छी होगी। ये जो मैदा है इस पे ये भी ध्यान दिया जाता है कि ये मील से जब पिसता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट मैदा की बोरिंग पड़ी होती है इससे लगभग जो है 7 से 8 दिन के बाद ही हमें ये मैदा यूज करना है। अच्छा, अन्यथा ये मैदा जो है गर्म रहेगा और जब आप इसको जो है मिक्सर में डालेंगे और इसको मतलब मिक्स करेंगे तो बनाया हुआ पट्टा ठीक से बनेगा नहीं। अगर बन भी गया पट्टा तो अंदर जो है माल जैसे टांगेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, तो इन ये सब टेक्निकल पॉइंट्स इनको ध्यान रखना है। अब ये जो मिक्सर है ये बना हुआ ये टेबल में जाएगा इस तरह से। अभी जो है ये बना हुआ जो मिक्सर है ये अब एक्सट्रूडर मशीन पे चलेगा। तो ये हमारा पहले का पट्टा था, अभी देखेंगे कि इससे पट्टा बनना शुरू होगा। तो आप देख लीजिए ये पहले का पट्टा लगता है क्या? हाँ हाँ, ये अभी हमारा काम चल रहा था तो अभी का पट्टा है ये। तो इसमें क्या है कि ये इस पट्टे के साथ में मिक्सर बनना पट्टा बनना शुरू हो जाएगा। इसमें इस मशीन पे देखिए क्या है कि ये मशीन जैसी आप देख रहे होंगे मशीन नूडल्स की उससे थोड़ी अलग है। आप देख लीजिए इसमें ये तीन तरह के पिलर हैं। ये यहाँ पे पट्टा रखा जाता है और इसकी जो मोटर है ये भी ये 3 HP मोटर है, 3 HP सिंगल फेस। तो मोटर इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपके तीनों पट्टों को ये खींच सके, तीनों पट्टों को यहाँ प्रेसिंग हो सके, इस तरह की मोटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि ये देखिए ये जो कवर हमने लगा रखा है तो ये किसके लिए है? जब मैदा पड़ेगा तो ये मैदा जो है गियर पे ना जाएगा। अगर गियर पे जाएगा मैदा तो ये गियर हमारे जल्दी ख़राब हो जाएंगे। राइट, तो इस वजह से ये सब मॉडिफिकेशन हमें खुद ही करना पड़ता है या फिर जहाँ से आप मशीन खरीदेंगे तो उनको ये चीज़ बताइए कि हमें इस तरह से मशीन बना के दीजिए। ओके, क्योंकि मशीन आपके हिसाब की होनी चाहिए, बिजनेस आपको करना है मशीन आपके हिसाब की होनी चाहिए। अब ये जो हम लोगों ने मिक्सर बनाया है अब ये इसमें इस पट्टे के साथ लगना शुरू होगा। अभी देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान ये रखना है कि एक्सट्रूडर मशीन में ये चूड़ी ये बहुत काम करती हैं तो इनका बैलेंसिंग इनका एडजस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जैसे ही काम करने लगो समझ में आ जाती हैं। मॉइस्चर एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैदा आपका अगर आपका ज़्यादा मॉइस्चर का है तो यहाँ पे आपका ठीक से पट्टा नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, अगर पट्टा एक बार बन भी गया तो जब आप कटिंग करेंगे जब पतली पतली नूडल्स में कटिंग होगा तो उसके बाद जो है वो माल पूरा टपक टपक के नीचे गिरेगा। हाँ, अब ये जैसे इसमें बेड रखा आप देखिए ये जो है इसे पट्टा लपेटो
अभी देखिए ये पट्टा बड़ा हो गया है, तो अब हम इसको पाइप में लपेटेंगे। ये देखिए ये इस तरह देखिए पट्टा लपेटा जाता है, और ये जब पट्टा बन के धीरे धीरे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए अभी जैसे जैसे ये माल पट्टा लेता जाएगा वैसे वैसे पट्टा बड़ा होता जाएगा। ये दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और नूडल्स की जो फैक्ट्री है, तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक से ही करिए, गलती से भी आप फुल्ली ऑटोमेटिक में मत आइए। क्या फ़र्क है? फ़र्क दोस्तों ये होता है कि देखिए अभी हमने पट्टा बनाने में कितनी बार हमने उल्टा पलटा इसको, राइट, हाथ से। फुल्ली ऑटोमेटिक में ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो पट्टा है, जो मिक्सर है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है कि वो अपने आप ही पूरा काम करती है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ पट्टा नहीं बन पा रहा है, या फिर कुछ मॉइस्चर ज़्यादा आ गया, कम ज़्यादा हो गया, तो दिक्कत आ जाएगी उसमें। और अगर आपके पास जो है दो मशीन, जैसे हमारे पास दो मशीनरी हैं, अगर आप इनमें काम कराएंगे तो आपका जितना ऑटोमेटिक से प्रोडक्शन आएगा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका सेमी ऑटोमेटिक में आ जाएगा। और जो माल की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक मशीन से ज़्यादा अच्छी सेमी ऑटोमेटिक में आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार ये टेरा जा रहा है माल। एक बार दो बार नहीं, कम से कम दसियों बार ये माल टेरा जा चुका है। और ये दोस्तों बेलन क्या है, अगर आप नई मशीनरी ले रहे हैं तो बेलन का ध्यान रखिए, ये बेलन जो हैवी बेलन होना चाहिए। ये बेलन होता है ये, हाँ ये जो बेलन, दो बेलन लगे, हैवी बेलन होने चाहिए। हैवी बेलन, हैवी बुश, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने किसी मशीन लिया, पता नहीं है आपको कि इसमें कौन सी बेलन लगे हैं, कौन से बुश हैं, कौन सी बैरिंग है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जब दोनों मशीनें दोनों मशीनें काम करती हैं, तो आपका एक घंटे का प्रोडक्शन 150 से 200 किलो तक जाता है। इस तरह के जो है तीन बेलन, एक बेलन यहाँ, एक बेलन यहाँ, एक बेलन यहाँ, तीन बेलन चलते हैं, और एक बार में एक बेलन में 60-70 किलो का माल काटा जाता है, जब बड़ा हो जाएगा। तो है ये फाइनल हमारा पट्टा हो चुका है, अब इसको हम लेके जाएंगे कटिंग मशीन में। कटिंग हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने कटर सेट कर रखा है, वो कटिंग के लिए यूज में ही आती है मशीन। अब देखिए इसमें हम जो है, इसमें कटिंग में देखिए ये बेलन अलग तरीके से सेट हैं, और जितना हमको महीन चाहिए या फिर माल मोटा चाहिए उसके लिए हम बेलन सेट करेंगे, कटर सेट करेंगे, जितना नूडल ये चाहिए, हाँ जो भी शेप चाहिए आपको। अगर शेप उसको महीन शेप में चाहिए तो महीन शेप के हिसाब से नूडल निकाल लेंगे, अगर मोटे शेप है तो मोटे शेप के हिसाब से। ये अभी मोटे शेप का नूडल निकाल रहा है। ये देखिए इस तरह से पट्टा सेट किया, और ये देखिए, ये देखिए कट्टा करना शुरू हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि हमने कटिंग मशीन में भी 5 इंच की पुली लगा रखी है, 5 इंच की पुली है। आप देखिए बिल्कुल मोटर दब नहीं रही, चलने में फुल स्पीड में चल रही है। और इस तरह से हम जो है इसको कटिंग करके और यहाँ पे टांग के जाएंगे, और यहाँ टांगने के बाद फिर हम चैम्बर में ले जाते हैं माल, फिर पूरा माल कट जाएगा। इसके बाद हम कितना कट कर लेती है मशीन? ये मशीन अगर कटिंग करने के ऊपर है तो हम इसमें लगभग 30 बोरी एक दिन में कट करते हैं। हाँ 15 क्विंटल माल हम एक दिन में इसमें कटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। बोलो इसमें लकड़ी में लिया जाता है? हाँ ये जो लकड़ियाँ हैं इनमें इस तरह से टांग दिया जाता है माल लगा के, ये फिर इसके बाद ये हीटिंग चैम्बर में जाएगा। अब दोस्तों ये चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो माल है। अब इसमें आपको जितना मोटा माल चाहिए, ये जितना मोटा चाहिए, जितना पतला चाहिए, आप उस हिसाब से कटिंग सेट कर सकते हैं इसमें। और इसमें कटर भी है, कटर भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत महीन माल चाहिए तो कटर चेंज करके आप महीन माल निकाल लीजिए। और सर इसमें कुछ वेस्टेज वगैरह जो ये जा रहा है, जो भी ये माल गिर रहा है ये दोबारा पट्टा बन के फिर निकल जाएगा। बस होता क्या है कि ये सब सारा सिस्टम बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, लेकिन क्या है केवल जानकारी होनी चाहिए इसकी। साइज के हिसाब से ये कट कर दिया जाएगा कि जो नीचे का जो ज़्यादा अनसाइड है वो नीचे आ जाएगा, उसको बटोर के और आगे उसको लेके दूसरी पट्टा मशीन में पट्टा बना के फिर से निकाल दिया जाएगा नूडल। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है ये नूडल लगाया जाता है हीटिंग चैम्बर में। फिलहाल इस तरह से जब हमारा ये पूरा फुल हो जाता है स्टैंड, तो अभी हमारा जो है इस चैम्बर में माल फुल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चैम्बर लगभग लगभग हमारा भर चुका है, थोड़ा सा माल इसमें और लगेगा। अब ये हमारा चैम्बर है, ये हीटिंग चैम्बर है, इसी में
इसी में जो है माल टांगा जाता है। और ये चैम्बर दोस्तों 15 फीट लंबाई है और इसकी 10 फीट चौड़ाई है, तो एक तरह से 150 स्क्वायर फीट का चैम्बर है। और ये डबल साइड में है, देखिए ऊपर भी इसमें जो है ऊपर भी माल लगाया जाता है। सिल्वर फॉइलिंग की आपने? हाँ, सिल्वर फॉइलिंग सर इसमें हमने इसलिए की है क्योंकि इससे जो है जो सूखने का टाइमिंग है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट आता है। अच्छा, ये मानिए कि जो नॉर्मल चैम्बर हमारे हैं उनमें 3 दिन का समय लगता है सूखने में, इसमें लगते हैं 10 घंटे सूखने में। वाओ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अभी देखिए माल हमारा जो है कटिंग होके लगा हुआ है और पूरा कमरा हमारा जो है कट चुका है। इसमें एक चैम्बर में लगभग 30 बोरी माल यानी 15 क्विंटल माल एक चैम्बर में आता है। तो हम बताते हैं आपको कि जब वो माल लगा हुआ होता है, जब वो सूख जाता है माल, तो उसको लेके यहाँ पे कटिंग किया जाता है। तो जिस तरह से डिमांड है मार्केट में 10 इंच 8 इंच जिस तरह की डिमांड है 12 इंच, तो उस तरह से हम इसको कटिंग करके, और ये देखिए ये पैकेट्स हैं, इन पे देखिए इस तरह से माल हम पैक कर लेते हैं। ये देखिए ये 10 इंच का माल है और ये इन पैकेटों में पैक होकर मार्केट में सप्लाई होता है। ये इस तरह से मैनुअली हम जो है सील करा लेते हैं और ये मार्केट में सेल करने रेडी है। और ये जो है कार्टून बॉक्स में जाएगा और कार्टून बॉक्स में जाने के बाद ही मार्केट में चला जाएगा माल। और सर ये जो नीचे वेस्ट पड़ा हुआ है, हाँ, फिर बाद में कटिंग का जो वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जितना भी वेस्टेज है ये कोई बर्बाद नहीं होगा। ये पूरा का पूरा वेस्टेज हम जो है अगले दिन हम चूरे के साथ में निकाल देते हैं, कोई भी वेस्टेज में बर्बाद नहीं होता है। जो चाउमीन पैक करने के लिए, जब चाउमीन हमारी सूख जाती है उसको पैक करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल है वो ये है। ये देखिए ये जो मिल्की पन्नी है और इसके बाद ये पॉलिस्टर पन्नी है। इन दोनों में ध्यान ये रखना है कि पॉलिस्टर पन्नी में सिलेंडर बनता है और मिल्की पन्नी में ब्लॉक बनता है। अच्छा। तो एक तरह से ये पन्नी सस्ती पड़ती है और ये महंगी पड़ती है। तो सस्ती इसलिए आती है कि इस पन्नी को हम यूज करते हैं एक तरह से जो हमारे होटल्स हैं या फिर रोड के कॉर्नर हैं उनको देने के लिए जो माल है वो इस पन्नी में पैक हमारा होता है। अब बाकी ये जो इस पन्नी में जो हम पैक करते हैं माल ये पॉलिस्टर पन्नी में, तो इसको हम होम टू होम जो हमारी नूडल यूज होती है डायरेक्ट कस्टमर को जाए। होटल वालों को वैसे पड़ी नहीं होती पैकिंग कैसे भी? हाँ, होटल वालों को इसकी कोई दिक्कत नहीं होती पैकिंग कैसी, क्योंकि उनको माल गलाना पड़ता है कि उनको तो मान लीजिए एक गत्ते दो गत्ते डेली गलाना है, तो उनको पैकिंग से कोई मतलब नहीं होता, उनको ये कि माल अच्छा चाहिए। अगर हम इस पैकिंग में अपना मटेरियल पैक करते हैं तो इसको हम अच्छे अच्छे काउंटर में मॉल्स में इसको हम रख सकते हैं क्योंकि ये देखने में भी अच्छी है और एक तरह से इसका लुक बना बहुत अच्छा आता है कुल मिला के। ये जो पन्नी है ये अगर आप पॉलिस्टर पन्नी कहीं से भी बनवाएंगे तो लगभग 2 क्विंटल से कम नहीं बनती है पन्नी है। हाँ, जो ये मिल्की पन्नी है तो मिल्की पन्नी आप 1 क्विंटल का ऑर्डर देंगे तो भी बन जाएगी। तो दोस्तों नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कटती है, तो इसके लिए हमने जनरेटर रख रखा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों अगर मान लीजिए जनरेटर आपके पास नहीं है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब चली गई, बीच में माल चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपका माल जो है फूल जाएगा और फूलने के बाद वो मैदा किसी लायक नहीं बचेगा, ना उससे आप नूडल बना सकते हैं ना उससे कोई भी काम कर सकते हैं, वो उसको केवल फेंकना पड़ेगा आपको। तो ये मानिए कि अगर जनरेटर नहीं है तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे मेन चीज़ को ध्यान रखना है कि सारी मशीनरी तो लेनी ही लेनी नूडल्स बनाने के लिए, लेकिन जनरेटर को भी ज़रूर लेना है। अगर लाइट हमारी चली जाती है तो हम जनरेटर का यूज करके हम जो है अपना माल तुरंत निकाल लेते हैं, बिना इसके आपकी फैक्ट्री जो एक तरह से अधूरी है। तो सर जिन्हें ये नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर चाउमीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो उन्हें सबसे ज़रूरी बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? तो सबसे ज़रूरी बात तो इसमें यह है कि इन्फॉर्मेशन पूरी लीजिए। केवल आप कोई जैसे चैनल है यूट्यूब का है मान लीजिए, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, उतने से वीडियो मतलब बिजनेस शुरू करने का मतलब वो मत ले लीजिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, वो पहले आपको क्रैक करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि नूडल्स जब हम पहले आए थे तो हमको ये पता चला था कि आप नूडल्स स्टीम करके बेचिए। तो अगर हम ब्रांड पे नहीं जा रहे हैं, हम एक सादी पन्नी में उसको पैक करके दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप नूडल नहीं गेहूँ बेच रहे हैं। अच्छा, सीधी बात, क्योंकि ब्रांड अगर आपका है, आप अच्छा माल बना रहे हैं, आपने क्वालिटी दे रहे हैं, तो वो ब्रांड पे टिकेगी। मान लीजिए आपने स्टीम किया, आपने कच्चा माल पैक किया, आपने मार्केट में दे दिया, वो उसके लिए अच्छा है कि आप जहाँ मार्केट में दे रहे हैं वहाँ वो उसी दिन माल कंजम्प हो जाए, पहली चीज़, क्योंकि माल गीला है। और मैदे में प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैदा अगर गीला है तो टिकेगा नहीं। ये मानिए स्टीम की वजह से वो 8-10 घंटे टिक जाता है, लेकिन हमने ये ऐसा सिस्टम नहीं रखा अपनी फैक्ट्री में। हम पूरा माल सुखाते हैं, उसके बाद हमारी जो ब्रांडिंग उसमें पैक होता है, पैक होने के बाद ही वो मार्केट में जाता है, जिसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने की है। अब आप ये जानिए कि हमने एक माल आज तैयार किया, सपोज करिए हमने 15 क्विंटल माल तैयार किया, 15 क्विंटल 10 क्विंटल हमारा बिक गया लेकिन 5 क्विंटल बच गया, अगर स्टीम किया हुआ है केवल, वो ठीक से सूखा नहीं है, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई उसमें? मेन बात है कमाई की। अब इसमें एक पैकेट बनाते तो कितना प्रॉफिट होता है और डेली प्रोडक्शन करेगा तो कितनी कमाई हो सकती है, वो ज़रा समझाइए जी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पैकिंग है, एक ये पैकिंग है 600 ग्राम पैकिंग है, ये भी 600 ग्राम पैकिंग है। अब देखिए इसकी जो कॉस्ट है वो 18 रुपये है, विद पन्नी
मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ लगा के 18 रुपये कॉस्ट आती है। और इसको हम होल सेल में, क्योंकि हम एक एक पैकेट तो बेचते नहीं हैं, होल सेल में हम इसको 21 रुपये का बेच देते हैं। अच्छा, हाँ, 21 रुपये का बिक जाता है हमारा पैकेट। इसके बाद जब ये इंड कस्टमर को जाएगा तो ये लगभग 28-30 रुपये का पड़ता है, क्योंकि उसमें से होल सेल में भी 1-2 रुपये लेगा, रिटेलर भी लेगा, तो 28-30 रुपये के आसपास ही कस्टमर को पड़ता है। लेकिन अब यहीं पर ये पैकेट है, इसमें इसमें कॉस्टिंग आती है 20 रुपये की, ये हम बेचते हैं 26 रुपये का। अब हम मानिए एक पैकेट में 5-6 रुपये का मार्जिन, ये होलसेल का, ये मार्केट में बिकता है 35 रुपये का। तो एक्चुअली मैं इसको इसलिए रिवील कर रहा हूँ इस चीज़, क्योंकि आप लोग समझें कि कितना मार्जिन है बढ़ने। क्या है कि जो हमारा पहले का प्रोडक्शन था 30,000-35,000 के जी का मंथली, ये इस समय हमारा 45,000-50,000 के जी का है। तो अब आप मानिए कि अगर हम 40,000 के जी भी, हम मानते हैं कि 40,000 के जी भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ओवरऑल इनको इनको दोनों को अब मिला दें, तो अगर हम 5 रुपये के जी या 4.5 रुपये के जी में हमें बच रहा है, और आप कर दें 4 रुपये के जी भी अगर मान लीजिए हमें बच रहा है दोनों का, दोनों प्रोडक्शन को देख के, तो 40,000 × 4 = 160,000 रुपये। मेन चीज़ अभी मार्केटिंग की है। हाँ। इसका मार्केट कहाँ कहाँ पर है और मार्केटिंग कैसे करनी है उसको ज़रा टिप बताइए जी। मार्केटिंग इसकी हर किराना स्टोर पर मार्केटिंग है, और आप रिटेल भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप स्वयं भी मार्केट में निकलिए, क्योंकि सेल्समैन रखना अच्छी चीज़ है, बट आपको स्वयं मार्केट का ज्ञान होना एक अलग ही बात होती है। जैसे कि मार्केट के बारे में कुछ और आपको बताता हूँ कि नूडल्स का जो मार्केट है, तो ये आप मानिए कि 12 महीने तो मार्केट चलता ही चलता है इसका है। लेकिन जो कुछ शादी के दिन होते हैं, सहलक के समय होते हैं, 4 से 5 महीने का समय सहलक का होता है, जैसे जनवरी फरवरी हो गया, फिर मई जून जुलाई हो गया, और फिर नवंबर दिसंबर हो गया, इसमें मार्केट का कुछ अलग ही दिखेगा आपको। क्योंकि जो नूडल्स का कंजम्पशन है वो इस समय इतना ज़्यादा होता है, पीक पे होता है, कि आपको मार्केट में नूडल मिलेगा नहीं। हाँ, ये पोजीशन होती है। हाँ। और जगह कितनी लगती है बिजनेस शुरू करने की? जगह 1200 से 1300 स्क्वायर फीट स्टार्टिंग है, अगर इससे कम है तो आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ जाएगा, बट 1000-1200 स्क्वायर फीट जगह तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो सर, अगर ये चाउमीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो इसमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नूडल्स का बिजनेस 1-1.5 लाख रुपये वाला नहीं है। इसमें जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5 से 6 लाख रुपये का बजट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मशीनरी भी होंगी, रॉ मटेरियल भी होगा, मार्केट में भी आपका पैसा फंसेगा, आपकी हीटिंग चैम्बर में भी माल फंसेगा। तो ये एक तरह से पूरा पैकेज होगा, तो 5 से 6 लाख रुपये इतना आपको रखना ही पड़ेगा बिजनेस में। और सर, अगर हमारे व्यूअर्स को बिजनेस शुरू करना है, आपसे जुड़कर बिजनेस शुरू करना या फिर फैक्ट्री पे आना है, तो वो कैसे आ सकते हैं, डेमो कैसे ले सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं आपसे? जी, और ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा? तो ट्रेनिंग के क्या है दोस्तों, कुछ चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, और इसके बाद आप, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा सर, क्या क्या बताओगे आप? ट्रेनिंग में बिजनेस कैसे सेटअप करना है, मशीनरी से लेके लास्ट फाइनल मार्केटिंग तक का नॉलेज। अच्छा, कि आप कहीं फंसेंगे नहीं। मैं आपको इतनी नॉलेज देके भेजूंगा यहाँ से कि अगर आप उतनी नॉलेज के साथ गए, आपने थोड़ा सा मार्केट को सर्वे किया, तो बता रहा हूँ आपको 100% रिजल्ट आने वाला है, और आप एक सक्सेसफुल उद्यमी बनेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो बिजनेस को 3 साल तक, मैंने मुझको जो डाउनफॉल्स आया, कुछ भी आया, मैंने सीखा, ये मैं आपको एक दिन में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हैं, और आप जो है जब वो जानकारी आपके पास होगी तो आपको वो 3 साल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, हाँ, और आप पहले दिन से एक सक्सेसफुल नूडल्स मैन्युफैक्चरर बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नूडल मेकिंग बिजनेस या चाउमीन मेकिंग बिजनेस शुरू करना है और सर की फैक्ट्री पर भी विजिट करना है तो आप कर सकते हो। नीचे एड्रेस भी दिया है, नंबर भी दिया है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।